वेलकम टू मैथ्स अड्डा चैनल। दिस इज स्पेशल क्लास फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जाम ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे एफआर बीकॉम का चैप्टर नंबर 1, दैट इज रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो भी इंट्रोडक्शन है सिलेबस को लेके, एफआर बीकॉम सेमेस्टर 1 के जो सिलेबस है वो हमने पूरे कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस किया था टॉपिक वाइज। तो आज के लेक्चर्स में हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ रेशियो से रिलेटेड जो भी थ्योरी है वो आज डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड एक एक एग्जांपल्स लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से उसके बेस पे जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है वो सारे हम वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर्स में हमें क्या करना है, रेशियो से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उन सारे कॉन्सेप्ट को आज हमें स्टडी करना है, यानी कि सबके डेफिनेशंस को देखना है और उस डेफिनेशंस का यूज करके जितने भी रिलेटेड एग्जांपल्स होंगे हम आज वो सॉल्व करेंगे। तो प्लीज जो भी इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे वीडियो को, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें एंड कमेंट करें और वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखें। तो स्टार्ट करते हैं, दैट इज रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। तो पहले हम समझते हैं कि रेशियो होता क्या है। एक्चुअल में रेशियो क्या होती है कि सपोज हमारे पास कोई भी दो क्वांटिटी, अब मान लेते हैं दो क्वांटिटी, सपोज हमारे पास ए एंड बी, हमारे पास दो क्वांटिटी है। अब इस दो क्वांटिटी के न्यूमेरिकल वैल्यू को सपोज ए एंड बी, तो इस ए दो क्वांटिटी के बीच में एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करेंगे जिसे हम देखते हैं ए इज टू बी। तो ये रिलेशन ये होता है कि वेयर ए इज अ सम मल्टीपल ऑफ बी, कि हम ए को बी का कुछ मल्टीपल लिख सकते हैं, या फिर ए इज अ सम पार्ट ऑफ बी, तो देन दिस रिलेशन इज नोन एज अ रेशियो। या फिर हम इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिंपल ए अपॉन बी या फिर ए इज टू बी। इसे रीड कैसे करेंगे, ए इज टू बी, ये हम इसे इस तरीके से रीड कर सकते हैं। अब यहां पे ये जो पहला ए है इसे हम कहते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि जो चीज पहले होती है, विच वॉज बिफोर, दैट इज एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट यानी कि जो चीजें पहले होती है उसे कहते हैं एंटीसीडेंट, और जो चीज हमारा रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, यानी कि जो विच गोज आफ्टर उसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। ये हमारे पास हो गया कॉन्सिक्वेंट, ये एंटीसीडेंट है, इसे हम कहेंगे कॉन्सिक्वेंट। और इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में ए अपॉन बी लिखते हैं, और इसे सिंपल रीड कैसे करेंगे, ए इज टू बी, वेयर ए इज अ सम मल्टीपल ऑफ बी और ए इज अ पार्ट ऑफ बी, यानी कि ए को हम कुछ बी के मल्टीपल्स को लिख सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ए बी का कुछ पार्ट है, जैसे ए अपॉन बी। इसका मतलब ये होता है कि हम ए को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो हम ए को बी पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज अ रेशियो। अब इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है जैसे कि कंपाउंड रेशियो क्या होता है, इनवर्स रेशियो क्या होते हैं और कंटिन्यू रेशियो क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स हम डिस्कस करें। तो हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज कंपाउंड रेशियो क्या होता है। तो पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज कंपाउंड रेशियो। तो पहला टॉपिक क्या है, कंपाउंड रेशियो। अब ये कंपाउंड रेशियो होता क्या है, कंपाउंड रेशियो एक्चुअल में मान लो हमारे पास दो क्वांटिटी है, दैट इज ए अपॉन बी एंड ए अपॉन बी। सपोज दो रेशियो ले लेते हैं, दैट इज ए बाय बी, ये एक रेशियो है, सिमिलरली सी अपॉन डी, ये एक रेशियो लेते हैं। तो अगर इसका इस टू के फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज ए टू बी एंड सी टू बी, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है और ये अपने रेशियो के फॉर्म में। तो अगर इस रेशियो को सेकंड रेशियो से मल्टीप्लाई करें, बट कंडीशन ये है कि दोनों रेशियो क्या होने चाहिए, सेम टाइप के होने चाहिए। तो देयरफॉर अगर ए अपॉन बी को, यानी कि पहले रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रेशियो से, बट कंडीशन ये है कि एंटीसीडेंट को एंटीसीडेंट से मल्टीप्लाई करना है एंड कॉन्सिक्वेंट को कॉन्सिक्वेंट से मल्टीप्लाई करना है, एंड दिस इज नोन एज अ कंपाउंड रेशियो। सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ई है, ये और एक रेशियो है, तो इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा, दैट इज ई अपॉन एफ। तो ए इंटू सी इंटू ई अपॉन बी इंटू डी इंटू एफ, तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड रेशियो। जब हमारे पास कोई दो रेशियो गिवन हो तो उस रेशियो को जब हम सेकेंड रेशियो या फिर तीन रेशियो अगर मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं कि एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट से मल्टीप्लाई होना चाहिए और कॉन्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंट से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए,
तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। और एक नोट याद रखना है कि जो हम फ्रैक्शन लिखते हैं, फ्रैक्शन हमेशा अपने लोवेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिखूं 1/2 का मतलब होता है हाफ। तो इस 1/2 को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैं 1/2 का जितने भी मल्टीपल ले लूं, दैट इज 2/4, 3/6, 4/8, तो ये सारे वैल्यू ऐसे में इनफाइनाइट टर्म्स डिफाइन कर सकता हूं जिसकी वैल्यू 1/2, यानी कि ये जितने इनफाइनाइट वैल्यू है वो सब किसके इक्वल होंगे 1/2। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस फ्रैक्शन को हमेशा लोवेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब लोवेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि जो जीसीडी होगी ए एंड बी की मस्ट बी 1, या कि सीडी अगर रेशियो है तो उनका जो जीसीडी है वो मस्ट बी 1 होना चाहिए, वेयर जी इज अ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सिंपल मीनिंग ये है, ए और बी का पहले डिवाइजर फाइंड करो, यानी कि जितने भी उसके फैक्टर्स हैं, फिर उसमें से कॉमन लेना है, और उन कॉमन में से जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसे हम कहते हैं जीसीडी। जैसे फॉर एग्जांपल जीसीडी ऑफ 3/5। अब 3 के फैक्टर और 5 के फैक्टर में सिर्फ कॉमन क्या आता है 1, यानी कि 3 के फैक्टर क्या होंगे 1/3 और 5 के फैक्टर होंगे 1/5, तो दोनों में कॉमन क्या है सिर्फ 1, और 1 ही क्या होगा हाईएस्ट, तो देयरफॉर जीसीडी ऑफ 3/5 1। तो यानी कि ये जो फ्रैक्शन है अगर मैं 3/5 लिखूं, यानी कि 3:5 इज देयर लोवेस्ट फॉर्म, वो उसका लोवेस्ट फॉर्म है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिखूं सपोज फॉर एग्जांपल 4 एंड 6, अब अगर इसका जीसीडी निकालना तो क्या अगर मैं 4:6 के फॉर्म में लिखता हूं क्या ये अपने लोवेस्ट फॉर्म में, तो नहीं। क्यों? क्योंकि 4 एंड 6 में 4 का अगर हम फैक्टर्स लेते हैं तो 1, 2, 4, 4 के फैक्टर्स क्या होंगे 1, 2, 4, एंड 6 के फैक्टर्स क्या होंगे 1, 2, 3 एंड 6, तो 2 दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होंगे इसके 2। तो जीसीडी को ही एक और नाम से कहते हैं, दैट इज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट के प्लेस पे हाईएस्ट, कॉमन तो सेम होता है, और डिवाइजर को ही हम फैक्टर्स कहते हैं। तो यहां पे जीसीडी क्या है 2, तो यानी कि अगर मैं 4/6 लिखूं तो ये इसका लोवेस्ट फॉर्म नहीं, तो लोवेस्ट फॉर्म क्या होगा इसके जीसीडी से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 2/3। तो ये हमारे पास इसका लोवेस्ट फॉर्म है। तो जो फ्रैक्शन होता है वो हमेशा लोवेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, जब भी हम किसी रेशियो को लिखते हैं तो वो हमेशा क्या होना चाहिए लोवेस्ट फॉर्म में। सेकेंड ये है कि दोनों क्वांटिटी जो है ए एंड बी वो कैसे होने चाहिए। नोट 1 तो ये हो गया कि जो भी रेशियो है वो हमेशा अपने लोवेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सेकेंड नोट, ए एंड बी मस्ट बी सेम टाइप, ये क्या होने चाहिए सेम टाइप के होने चाहिए, या फिर ये कह सकते हैं सेम काइंड के होने चाहिए, मतलब एक ही टाइप के होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे 10 डस्टर पड़े हुए हैं, 10 चेयर्स हैं, 10 बुक्स हैं, और किसी ने कहा इन सबको ऐड करके बताओ ये कितने, तो हम इन सबको ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि दोनों सेम टाइप के नहीं है। अब सेम टाइप के नहीं है तो अगर सपोज किसी ने ये कहा कि 10 बेंचेस है एक क्लास में, सेकेंड क्लासेस पर 20 बेंचेस है, थर्ड क्लासेस पर 50 बेंचेस है, तो टोटल बेंचेस बताओ, तो हम क्या करेंगे सबको ऐड करके बोलेंगे इतने नंबर ऑफ बेंचेस है। बट यही अगर हमारे पास अलग अलग टाइप के कोई प्रोडक्ट हो या कोई भी आइटम हो या कोई भी क्वांटिटी हो, फिर उस चीज को हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों सेम टाइप के नहीं। तो ये सेकेंड नोट है। थर्ड चीज, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अब यूनिट से मतलब ये होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं तो डिस्टेंस को हम किलोमीटर में लिख सकते हैं, मीटर को लिख सकते हैं, बट अगर किलोमीटर को मीटर को दोनों को साथ में ऐड करना हो तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कन्वर्जन रूल का फॉलो करते हैं, यानी कि किलोमीटर को या तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे या फिर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और फिर हम उसको आपस में ऐड या कंपेयर कर सकते हैं, मतलब उन्हें उनके रेशो में ले सकते हैं। तो देयरफॉर थर्ड ये है कि वो उन दोनों का जो यूनिट है वो मस्ट भी सेम होना चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं है तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे रुपीस एंड पैसे, अगर रुपीस और पैसे को ऐड करेंगे तो डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, तो या तो रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करेंगे या पैसे को रुपीस, तो कन्वर्जन रूल को फॉलो करते हैं। तो ये कुछ नोट है, पहला ए एंड बी मस्ट बी देयर इन लोवेस्ट फॉर्म, सेकेंड ए एंड बी मस्ट हैव अ सेम टाइप एंड और सेम काइंड, एंड देन यूनिट मस्ट बी सेम। तो ये तीन नोट आपको याद करना है। हमारा पहला टॉपिक है कंपाउंड रेशियो। अब सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज इनवर्स रेशियो।
अब ये इनवर्स रेशियो क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेटा, अब ये कंपाउंड रेशियो में पहले और को हम डिस्कस करते हैं। अब कंपाउंड रेशियो में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि डुप्लीकेट क्या होता है, ट्रिप्लीकेट क्या होता है, सब डुप्लीकेट क्या होते हैं और सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है, पहले ये डिस्कस करते हैं। कंपाउंड रेशियो में मैंने क्या कहा कि किसी एक रेशियो को सेकंड रेशियो से मल्टीप्लाई करें। अब अगर सपोज हमारे पास एक रेशियो है एच टू बी, इस रेशियो को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए रेशियो बी इज मल्टीप्लाइड बाय सेम रेशियो दैट इज एच टू बी, तो ये हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। दैट इज कि अगर ए इज टू बी को सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें दैट इज एच टू बी, वी विल गेट ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है और ये अपने रेशियो के फॉर्म में। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि a अपॉन बी को अगर a अपॉन बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर आ रहा है। तो दैट ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर इज नॉट एज अ डुप्लीकेट ऑफ ए एंड बी। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम क्या कहेंगे कि ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है इस ए बी का डुप्लीकेट है। सिमिलरली अगर ए इज टू बी रेशियो एज टू बी रेशियो एज टू बी अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एंटीसीडेंट 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 मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या होगा, ए क्यू इज टू बी क्यू। तो अगर हम सेम क्वांटिटी को थ्री टाइम्स सेम रेशियो को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है ए क्यू इज टू बी क्यू। तो ए क्यू इज टू बी क्यू को हम कहते हैं ट्रिप्लीकेट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डुप्लीकेट अगर हम टू टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें कहते हैं ट्रिप्लीकेट। क्या कहते हैं, ट्रिप्लीकेट। अब ध्यान से सुनो, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी का डुप्लीकेट है तो इस ए बी को हम कहेंगे कि ये सब डुप्लीकेट है, सब डुप्लीकेट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सिमिलरली अगर ए क्यू इज टू बी क्यू, अगर ये ट्रिप्लीकेट है ए क्यू एच टू बी का तो देन एच टू बी इज नॉन एज अ सब ट्रिप्लीकेट ऑफ ए क्यू इज टू बी क्यू। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई रेशियो गिवन है एच टू बी तो अगर हम उसका स्क्वायर रूट लें दैट इज रूट ऑफ ए इज टू रूट ऑफ बी इज नॉन एज अ सब डुप्लीकेट ऑफ एच टू बी। सिमिलरली अगर a और b हमारे पास कोई रेशियो है, अगर उसका क्यूब रूट लेते हैं दैट इज a रेस टू 1 बाय 3 और क्यूब रूट ऑफ a इज टू क्यूब रूट ऑफ b इज नोन एज अ सब ट्रिप्लीकेट ऑफ a इज टू b। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे कंपाउंड रेशियो के अंदर जो आपको याद करना। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इनवर्स रेशियो, जो कि काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है। इनवर्स का मतलब ये होता है कि रेसिप्रोकल लेना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ 1 बाय 2 तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 बाय 1। अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा है 3 बाय 2 तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 बाय 2। तो इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल और यही से हमारा कॉन्सेप्ट आता है इनवर्स। एक्चुअली यही इनवर्स है। तो अगर हमारे पास कोई रेशियो दिया है एच टू बी तो ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन ए, बी का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन ए। तो इस 1 अपॉन एच टू 1 अपॉन बी को हम क्या कहते हैं, इनवर्स ऑफ ए बी। तो 1 अपॉन ए टू 1 अपॉन बी क्या हो गया, इनवर्स ऑफ ए। अब अगर इसे सिंप्लीफाई करें 1 अपॉन ए तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन ए और 1 अपॉन बी। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये इसके साथ, यानी 1 इंटू बी अपॉन 1 इंटू ए दैट इज बी अपॉन ए। तो देयरफॉर ये जो क्वांटिटी कुछ और नहीं बल्कि बी टू ए। तो देयरफॉर अगर ए टू बी गिवन है तो देन बी टू ए इज नॉन एज अ इनवर्स रेशियो। तो सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास क्या है, इनवर्स रेशियो। हमने क्या क्या देखा, एक तो कंपाउंड रेशियो देखा कि अगर किसी एक रेशियो को किसी दूसरे रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे कहते हैं कंपाउंड रेशियो, अगर सेम ही रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे डुप्लीकेट। तो जो पहला रेशियो होगा उसे हम सब डुप्लीकेट भी कह सकते हैं, या फिर किसी एज टू बी का अगर रूट लेंगे तो उसे सब डुप्लीकेट, थ्री टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ट्रिप्लीकेट, और जो नंबर पहले रहता है उसको सब ट्रिप्लीकेट करेंगे जो ए क्यूब बाय बी क्यूब होगा।
उसके बाद हमने देखा इनवर्स रेशियो क्या होता है। इनवर्स रेशियो मतलब अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी गिवन है 1:2, तो देन v टू a इज नोन एज इनवर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2:3 है, तो इसका इनवर्स क्या होगा 3:2। कहीं पे 1/2 लिखा है, तो इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा 2/1। और दूसरी चीज a/b इज नोन एज इनवर्स ऑफ b/a एंड b/a इज नोन एज इनवर्स ऑफ a/2। यानी कि मतलब a और b को कह सकते हैं b/a का इनवर्स है, और b/a को कह सकते हैं कि वो a / a/b का इनवर्स है। यानी कि a/b एंड b/a आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के क्या है इनवर्स है। ये हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट हो गया इनवर्स है। अब थर्ड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूड रेशियो, जिसका आगे काफी यूज होने वाला है जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। नाउ द थर्ड इज कंटिन्यूड रेशियो। हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज कंटिन्यूड रेशियो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब कंटिन्यूड रेशियो का मतलब क्या होता है? जैसे कंपाउंड स्टेटमेंट में, कंपाउंड रेशियो में क्या करते हैं, एक रेशियो को दूसरे रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। अब लेकिन जब हम कंटिन्यूड रेशियो करते हैं, कंटिन्यूड नाम से पता चल रहा है जो कि कंटिन्यू होगा, यानी कि हमारे पास दो चीजें हैं और तीन चीजें हैं, अगर हमें कंटिन्यू करना तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यानी कि कंटिन्यू होना चाहिए लगातार। अगर इसको कंटिन्यू करना है किसी और रेशियो के साथ, तो यहां पे क्या होना चाहिए, तो देन a/b, b/c इज नोन एज कंटिन्यूड रेशियो। इसे हम क्या कहते हैं कि रेशियो ऑफ कंटिन्यूड रेशियो, ये हमारे पास हो जाता है कंटिन्यूड रेशियो। इसे हम क्या कहते हैं कंटिन्यूड रेशियो। तो यहां से हमारे पास एक नोट होता है कि कंटिन्यूड रेशियो के लिए 2 से ज्यादा क्वांटिटी हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि ए बी सी बीबी से कंपेयर करना है, तो 2 से ज्यादा क्वांटिटी का हमें यहाँ पे यूज होगा, इसे हम कहते हैं कंटिन्यूड रेशियो। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक रेशियो गिवन है 2:3 और एक रेशियो गिवन है 3:5, तो अगर इसका क्या फाइंड करना है कंटिन्यूड रेशियो, इसका कंटिन्यूड रेशियो क्या होगा 2:3:5। अब ये तो सेम था, इसके लिए डायरेक्ट लिखते हैं। अब फॉर एग्जांपल सपोज सेम नहीं होगा, जैसे मैं लिख रहा हूं 3:5 × 8:5 अब इसे कंटिन्यूड रेशियो के फॉर्म में लिखना है, तो अब यहां पे यूज होगा जीसीडी का, जो जीसीडी है जैसे जीसीडी होता है वैसे एलसीएम भी एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों को साथ में पढ़ा जाता है। एससीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएफ मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब हम क्या कहेंगे 8 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो 8 और 5 का एलसीएम, तो ध्यान से ना एलसीएम, तो पहले काम करते हैं एलसीएम का, एलसीएम ऑफ 5:8। अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, 5 का टेबल लेंगे 8 का टेबल लेंगे, क्योंकि मल्टीपल पूछा है, मल्टीपल मतलब टेबल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक कॉमन देखना है, और सबसे पहले वहां पे हाईएस्ट लेते थे, यहां पे लिस्ट यानी कि सबसे छोटा लेना। अब 8 का टेबल लेंगे 8, 16, 24, 32, 40, ऐसे 5 का टेबल लेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। तो जो सबसे पहले कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है 40। तो इसका मतलब ये है कि 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को 5, तब जाके दोनों नंबर सेम होंगे। तो याद रखना है जब भी अगर जीसीडी 1 होगा तो एलसीएम हमेशा उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है, दैट इज यहां पे 5 और 8 के पास 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो देयरफॉर जीसीडी ऑफ 8 एंड 5 इज 1, तो देयरफॉर यहां पे इसका एलसीएम क्या होगा दोनों का प्रोडक्ट। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो ये 5 × 8 = 40 और इसको 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 24। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। तो जो इसका रेशियो होगा कंटिन्यूड रेशियो 24:40:25। तो ये हमारा सेकेंड टॉपिक था, दैट इज कंटिन्यूड रेशियो। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने कंटिन्यूड रेशियो के डिस्कस किए, तो नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स यानी कि वर्ड प्रॉब्लम है हम उस सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जो मैं बुक रेफर कर रहा हूं वो है विपुल्स का,
तो इसमें से जितने भी एग्जांपल्स हैं हम वो सारे एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, या फिर जितने भी टाइप्स के हैं, जितने भी डिफरेंट टाइप्स के होंगे वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी शॉर्ट ट्रिक है जो कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम में यूज होगा वो सारे शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि रेशियो मेथड का यूज करके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो आप रेशियो मेथड का यूज करके मिनिमम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपको सारी थ्योरी पार्ट देखने की जरूरत नहीं है, कुछ टी डायग्राम, रेशियो मेथड, ऐसे काफी मेथड है जिसका यूज करके किसी भी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स को हम विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर ये एंड करते हैं। आज हमने पूरे थ्योरी देखी, अब इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताएं, और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर आज का लेक्चर ये एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। थैंक यू।